प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी का लेखक परिचय जानेंगे। यह वीडियो आपकी क्लास 12th हिंदी से बनाया गया है। देखिए रचनाएं की, नीला चांद, चांद फिरूगा, गली आगे मूर्ति है, इन्हें भी इंतजार है, कल्पना और कस्तूरी। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल है, इनकी इतनी सारी रचनाएं, दो रचनाएं आपको इसी पकड़ लेना। यदि आप को याद नहीं रहे तो एक छोटा सा वर्ड के रूप में याद रखना कि डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी कल्पना कर रहे हैं कि कस्तूरी मृग की तरह मेरी पत्नी होगी, यानी उनकी शादी की बात चल रही है। तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं और कि मेरी पत्नी कस्तूरी मृग की तरह होगी। अब साहब इनकी सगी के लिए गए मेहमान, तो मेहमान गए तो मेहमान जाते तो पूछते ही नहीं, पूछते कहाँ जाएगी भैया ये गली कहाँ जाएगी, तो गली आगे मूर्ति है। अब चले गए साहब वहाँ पर शादी के लिए, गली आगे मूर्ति सगाई के लिए, तो आगे बढ़े तो फिर वहाँ पर कहते आइए आइए साहब आइए, बहुत आपके घर आने में बड़ी समस्या आई, इतनी मैंने गली बदली, ये गली वहाँ मुड़ गए थे उधर मुड़ गए थे, ऐसा सब कथा गई उन्होंने। इसके बाद में उनका कि इन्हें भी इंतजार है, ये मेहमान थे ने और इन्हें भी आपका इंतजार था गंदेर का, तो बहुत देर का तो ये हो गया, तो इन्हें भी इंतजार है। और फिर बाद में इनकी शादी हो गई साहब। शादी होने के बाद में करवा चौथ आई, तो करवा चौथ पर चांद तो उगने का इंतजार हो देते ही है। तो भैया डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी को ने कौन सा चांद देख लिया, नीला चांद देख लिया, और अपनी पत्नी को लेके चले गए कि चांद हो गया आप क्या छोड़ो बारात। तो उस हिसाब से नीला चांद, और फिर लास्ट में उनकी पत्नी ने कहा कि ये कोई चांद आंद थोड़ी है, चांद तो सफ़ेद उगेगा, तो बाद में चांद फिर बाद में उगा, तो ये चांद फिर उगा। बच्चे तो मैं छोटे से कहानी के रूप में नहीं जबरदस्ती, जिसे आपको एक या दो वर्ड तो याद रह जाएंगे इससे। तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी की क्या बनेगी, एक तो कल्पना और कस्तूरी मृग, कहाँ गए थे सगई में तो क्या गए थे, गली आगे मूर्ति है, इन्हें भी इंतजार है, नीला चांद और चांद फिर उगा, दो या तीन रचना आप याद कर लेना, आराम से हो जाएगी अब आपको। चलिए अब भाषा देखते हैं, इनकी भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है, तथा इन्होंने कहावतों एवं मुहावरों का भी प्रयोग अपनी भाषा में किया है। इनकी भाषा कैसी है, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है, तथा इन्होंने कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी अपनी भाषा में किया है। और इनकी जो शैली है वो शुद्ध, इनकी जो शैली है वो भावात्मक, विवरण और विवरणात्मक तथा व्यंग्यात्मक आदि है। मेरा ये नोट कर लेना कि इनकी शैली कैसी है, भावात्मक, दो या तीन लिख सकते हैं, सभी जरूरी चार या पांच लिखे, भावात्मक, विवरण, विवरणात्मक और व्यंग्यात्मक आदि शैली है। और साहित्य में स्थान तो आपको पता ही है, इनका साहित्य में उच्च स्थान है, इनके इस योगदान के लिए हिंदी साहित्य ने सदा स्मरण करता रहेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि उच्च लिखे, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, हर वीडियो में बताया ये बात कि उच्च, विशिष्ट, अद्वितीय, किसी भी प्रकार का आप स्थान बता सकते हैं। तो बच्चों मैंने प्रयास किया, ये रचनाएं भी थोड़ा सा कहानी के रूप में, ऐसे जबरदस्ती आप कहानी जोड़ लिया कर लीजिएगा और कर लीजिएगा करेगा, तो आपको क्या बोरिंग नहीं लगेगा, अच्छे से अच्छे समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ऐसे ही कुछ किसी लेखक परिचय, कवि परिचय को लेकर मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, रचनाएँ, भाषा शैली और साहित्य में स्थान।